जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 में पौष पूर्णिमा व्रत जो है वो कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, शुभ मुहूर्त महत्व तो पूजा विधि जो है वो क्या रहने वाली है। आज के वीडियो में सारी जानकारी जो है वो आपको देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पौष पूर्णिमा व्रत जो है वो साल 2024 में कब किया जाएगा, तो 25 जनवरी को साल 2024 में दिन गुरुवार को पौष पूर्णिमा का जो व्रत है वो किया जाएगा। अगर आरंभ बताऊं कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ जो है वो कब हो रहा है, तो 24 जनवरी को रात्रि को 9:52 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है और 25 जनवरी को रात्रि को 11:26 पर पूर्णिमा तिथि का जो समाप्ति है वो हो रहा है। उदया तिथि के हिसाब से 25 जनवरी को दिन गुरुवार को ही पौष पूर्णिमा व्रत जो है वो किया जाएगा। हिंदू पंचांग में पौष माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म और भारतीय जनजीवन में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही महत्व बताया गया है। पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा को प्रिय होती है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान सूर्यदेव को अर्घ देने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पौष माह के समय में किए जाने वाले धार्मिक कर्म कांड की पूर्णता पूर्णिमा पर स्नान करने से सार्थक होती है। पौष पूर्णिमा के दिन काशी प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए जो भी पास में गंगा यमुना या जो भी नीर सरोवर है उसमें स्नान ज़रूर करें। अगर संभव हो सके तो प्रयागराज काशी हरिद्वार में स्नान जो है वो कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा के व्रत के महत्व के बारे में अगर एक नज़र डालूं तो वैदिक ज्योतिष और हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार पौष सूर्यदेव का माह कहलाता है। इस माह में सूर्यदेव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्यदेव को अर्घ देने की परंपरा चली आ रही है। चूंकि पौष का महीना सूर्यदेव का माह है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा का यह अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को ही होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में आ रही बाधाएं जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। पौष पूर्णिमा व्रत पूजा विधि जो है वो किस प्रकार से आपको करना चाहिए, चलिए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। पौष पूर्णिमा पर स्नान दान जप और व्रत करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। इस दिन सूर्यदेव की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। पौष पूर्णिमा की व्रत और पूजन विधि जो है वो किस प्रकार से है, इस दिन आपको पवित्र नदी या कुंड में स्नान करना चाहिए। स्नान सुबह जल्दी करें, इसके बाद व्रत का संकल्प लें और फिर भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करें। उन्हें अर्घ जो है वो विशेष रूप से आज के दिन देना चाहिए। स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। स्नान से निवृत्त होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए, उन्हें नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, फिर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। दान में तिल गुड़ कंबल ऊनी वस्त्रों को जरूर देना चाहिए क्योंकि सर्दी का समय होता है और अगर आप ये चीज़ें दान करती हैं तो विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। पौष पूर्णिमा पर देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर स्नान और धार्मिक आयोजन जो है वो होते हैं। पौष पूर्णिमा से तीर्थराज प्रयाग में माघ मेले का आयोजन शुरू हो जाता है। इस धार्मिक उत्सव में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक विद्वानों के अनुसार माघ माह में स्नान का संकल्प पौष पूर्णिमा पर जरूर लेना चाहिए और स्नान जो है वह जरूर करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। जितना हो सके उतना आपको अच्छे कार्य जो है वो ज़रूर करने चाहिए। ऐसा करने से भगवान मधुसूदन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जो है वो आपको प्राप्त होती है। तो आने वाली 25 जनवरी को दिन गुरुवार को साल 2024 में पौष पूर्णिमा व्रत जो है वो आप लोग जरूर कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए।
उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।